तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है जहां राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन किया है। तो बिहार में गठबंधन की मजबूती पर चर्चा भी हुई है। राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि बिहार में गठबंधन की मजबूती पर चर्चा हुई है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन किया। तो सीट शेयरिंग की जो है ये बात बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन कर बिहार में गठबंधन की मजबूती पर चर्चा की। राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। तो सूत्रों की अगर माने तो राहुल और नीतीश के बीच लंबी बातचीत भी हुई है, जिसमें बिहार मंत्रिमंडल में कांग्रेस कोटे से मंत्री बढ़ाने की भी बात हुई है। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है जहां राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन किया, सीट शेयरिंग की बात बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो राहुल और नीतीश के बीच लंबी बातचीत हुई है, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चाएं हुई है। तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार संपादक एस के राजीव जी जुड़े हुए हैं। राजीव, सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को कॉल किया और सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा हुई है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है सूत्र के हवाले से? नहीं देखिए, सिमरन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है कि कल देर रात राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने विधिवत नीतीश कुमार को फोन किया है और फोन पर लंबी बातचीत हुई है, जिसमें कि सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हुई है कि आखिर बिहार में कितनी सीटें जो है वो जेडीयू को दी जाएगी, कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, कितने सीटों पर आरजेडी और जो अन्य दल है उनको दिया जाएगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी सफाई दी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है वो कांग्रेस की तरफ से प्रस्तावित नहीं किया गया है, बल्कि ये अचानक ममता बनर्जी की तरफ से प्रस्तावित किया गया था। और जब यूपीए चुनाव जीतेगा, इंडिया गठबंधन जब चुनाव जीतेगा, उसके बाद विधिवत प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी और प्रधानमंत्री का चयन किया जाएगा। और जो तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है वह यह है कि राहुल गांधी ने बिहार में मंत्रिमंडल में जो है वो कांग्रेस का सीट बढ़ाने की भी मांग की, जिस पर कि नीतीश कुमार ने कहा है कि वो तो चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस को यहाँ पर और मंत्रिमंडल में जगह मिले, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की बैठक से निकलकर अचानक चले आए थे, एक डैमेज कंट्रोल की कवायद के तौर पर इसको जो है वो देखा जा रहा है कि संभवतः नीतीश कुमार को मनाने के लिए पहली बार, क्योंकि इसके पहले राहुल गांधी ने कभी भी बातचीत नहीं की थी, वो लालू प्रसाद यादव के संपर्क में रहते थे, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी ने स्वयं नीतीश कुमार से बातचीत की है और तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार को जानकारी दी है। जी सिमरन, राजीव, क्या इंडिया गठबंधन सब कुछ सच में ऑलवेज वेल है, क्योंकि हालात देखकर ऐसा नहीं लग रहा है? देखिए सिमरन, दरअसल में जो अभी इंडिया गठबंधन की जो नींव पड़ी थी, उसके पीछे कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका थी। और इंडिया गठबंधन से जब नीतीश अलग हुए थे तो उन्होंने तमाम जो विपक्षी राजनीतिक दल है उनको एक मंच पर लाने की कोशिश की थी, और यही वजह है कि नीतीश कुमार को यह लग रहा था कि जब भी मीटिंग होगी उसमें बतौर प्रधानमंत्री कैंडिडेट या फिर संयोजक के नाम के रूप में जो है वो उनकी उनके नाम की घोषणा की जाएगी। लेकिन इस बार की बैठक में ऐसा कुछ हुआ नहीं और अचानक ममता बनर्जी द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम जो नाम जो है उस मीटिंग में नाम का प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है, जिस पर कि अरविंद केजरीवाल से 14 जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनका समर्थन उसमें मिलता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा सेटबैक की तरह था, और ये वजह है कि नीतीश कुमार अचानक मीटिंग छोड़ करके बाहर चले आते हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं से राहुल गांधी और जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको यह बात लगा कि हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है वो आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये इसको आप डैमेज कंट्रोल से जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी या फिर जो भी इंडी गठबंधन के जो नेता हैं उनको वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता जो हैं वो इंडी गठबंधन का साथ छोड़े। यही वजह है कि राहुल गांधी ने पहली बार नीतीश कुमार को फोन करके उनका न सिर्फ हालचाल लिया बल्कि तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। ये सिमरन, राजीव, राहुल गांधी फोन करके नीतीश कुमार से लंबी बातचीत करते हैं, सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा की जाती है, तो पीछे ये तब होता है जब पिछले गठबंधन की बैठक होती है, तो क्या ये गठबंधन दरार की ओर तो इशारा नहीं कर रही? नहीं देखिए, गठबंधन में दरार जैसी बातें मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार चूंकि ऐसे नेता हैं जो क्या करेंगे ये नीतीश कुमार के अलावे पार्टी में किसी को पता नहीं होता है। कल नीतीश कुमार की पार्टी के एक कद्दावर सांसद हैं अभी दिल्ली में, उनसे कल मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने भी यही कहा
कि मुख्यमंत्री को सिर्फ ये पता होता है कि पार्टी में क्या लाइन लेना है या फिर पार्टी का डिसीजन जो है वो अगला क्या होगा, ये नीतीश कुमार स्वयं लेते हैं। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज बता रहा था मीटिंग से निकलने के बाद, तो निश्चित पर वो इस मीटिंग से काफी नाखुश नजर आ रहे थे और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी को अंततः नीतीश कुमार को फोन करना पड़ रहा। और जैसे मैंने आपको बताया कि दो तीन मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें कि एक मुद्दा जो है वो बिहार में कांग्रेस के मंत्रियों को दो सीट और जो है वो देने की मांग भी जो है वो राहुल गांधी के द्वारा की गई, जिस पर कि उन्होंने ये पूरा गेंद जो है वो लालू और तेजस्वी के पाले में डाल दिया। लेकिन सबके बीच इतना निश्चित तौर पर ये आप कह सकते हैं सिमरन की नीतीश कुमार जो है वो इंडी गठबंधन के एक मजबूत नेता है और राहुल गांधी जैसे जो सरेखे नेता है वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो नीतीश कुमार को किसी भी छोटे से मुद्दे को लेकर के या फिर बड़े से बड़े मुद्दे को लेकर के उनको वो लूज कर सके। बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।